दोस्तों आपने कभी ना कभी नारियल पानी पिए ही होंगे, बट क्या आपने कभी सोचा है कि नारियल में पानी भरता कौन है? तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, नारियल ट्रॉपिकोना सीजन में उगाए जाने वाले पेड़ होते हैं जो कि बहुत ही बड़े और लंबे भी होते हैं, और नारियल भी सबसे ऊपर वाले हिस्से पर ही आते हैं। तो नारियल और नारियल के ऊपर तक नरिशमेंट पहुँचाने के लिए नारियल के पेड़ के जो रूट्स होते हैं वह जमीन में से वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए, और फिर नारियल पेड़ के जाइलम टिश्यू उन न्यूट्रिशनल वाटर को सभी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम करता है, इंक्लूडिंग कोकोनट, ताकि ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशनल वाटर रिजर्व रह सके। और कोकोनट के उसी न्यूट्रिशनल वाटर को एज ए एंडोस्पर्म भी कहा जाता है, और वह एंडोस्पर्म कोकोनट और पेड़ के ग्रोथ एंड नरिशमेंट के लिए काफ़ी हेल्प करता है। और कुछ दिनों बाद वह एंडोस्पर्म क्रीमी टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाता है और कोकोनट के इनसाइड सरफेस में डिपॉजिट हो जाता है, और उसके कुछ दिनों बाद वह क्रीमी टिश्यूज हार्ड होने लगता है और बचे हुए कुछ एंडोस्पर्म वैसा ही रह जाता है एज अ कोकोनट वाटर इनसाइड ऑफ कोकोनट। तो यह था दोस्तों एक्चुअल कोकोनट वाटर की रियल कहानी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और ऐसे ही वीडियो हफ्ते में दो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते अगले वीडियो में।